तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को रूई और नात्सु को दिखाया जाता है एंड पहले सीन में हीना हम लोग को देखने को मिलती है जो कि कह सकते हैं अपने स्टूडेंट को वॉलीबॉल खेलना सिखा रही थी एंड वहाँ पर कह सकते हो सारे लोग खेल रहे थे एंड ये लोग पीछे से देख रहे होते हैं हीना को एंड कह सकते हो ये लोग बेसिकली ये ढूंढने आए थे कि यार हीना आखिर कौन से लड़के को मिलती है एंड इसका जो बॉयफ्रेंड है वो कैसा दिखता है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए बेसिकली वो लोग हीना के पीछे लगे हुए थे। एंड तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि यार हीना एक तरीके से वॉलीबॉल टीचर है अपने स्कूल में एंड उसके बाद हम लोग को पास्ट में ले जाया जाता है। उसका जो दोस्त रहता है यानी कि फूमी, वो बताता है कि तुम लोग को देखना है कि आखिर हीना किस लड़के से मिलती है एंड ये लोग जैसे ही एक साथ मिले तुम वहाँ पर अटैक कर देना। एंड उसका नात्सु बोलता है कि मुझे नर्वस फील हो रहा है। उसके बाद वो बोलता है कि हम लोग को शायद अब घर चलना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। तभी जो रूई रहती है वो कहती है कि मैं खाने के लिए कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ, तो वो अपने हाथ में कुछ चीज़ें निकालती है। आगे हम लोग को देखने को मिलता है कि यार मतलब रूई का चेहरा तुम लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। एंड अगले सीन में कह सकते हो जो हीना रहती है वो कहती है ठीक है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, टाइम हो चुका है जाने का। अगले सीन में जो नात्सु और रूई रहते हैं वो लोग कहते हैं चलो ठीक है हम लोग अब इसको फॉलो करने वाले हैं। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है जो हीना रहती है वो कहीं पर ड्रिंक करने जाती है एंड वहाँ पर भी हम लोग को नात्सु और रूई दिखाया जाता है। वो लोग सोचते हैं एक बार में क्या कर रही है एंड उसका वो लोग सोचते हैं कि शायद यहाँ पर वो लड़का आने वाला है हीना से मिलने के लिए। हीना को हम लोग को दिखाया जाता है जो कि कह सकते हो अकेले ड्रिंक पर ड्रिंक करे जा रही थी एंड भाई इसको कोई रोको नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा पी रही है लड़की। आगे हम लोग को देखने को मिलता है नात्सु सोचने लगता है कि यार आखिर कौन से टाइप का लड़का होगा जिससे हीना मिलने जा रही है। अगले सीन में जो रूई रहती है वो सोई रहती है तो वहाँ पर नात्सु उसको उठाता है एंड रूई पूछती क्या वो लड़का अभी तक आया, तो नात्सु बोलता नहीं फिलहाल तो नहीं आया लेकिन जो हीना है वो 4 घंटे से लगातार पीते जा रही है। एंड तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो भाई वहाँ पर जो शॉपकीपर होता है कहता है भाई ठीक है यार कितना पियोगी तुम, एंड इससे पता चल रहा है कि यार वो किसी गम में इतना ज़्यादा पीते जा रही है। नात्सु भी थोड़ा टेंशन लेने लगता है और सोचता है कि शायद ये लोग आज नहीं मिलने वाले। आगे हम लोग को रूई दिखाया जाती है जो कि बोलती है शायद मेरे ख्याल से उस दिन जो मैंने देखा था उस बुक में वहाँ पर साफ साफ लिखा था कि ये लोग साथ में मिलने वाले, जब मैं अपनी बहन के रूम में गई थी यानी कि हीना के रूम में एंड वहाँ पर कुछ नाम लिखा था शू करके जो कि उस लड़के का नाम था, तो शायद वो आने वाला है। जो हीना जो रहती है बहुत ज़्यादा पीली रहती है एंड जो शॉपकीपर रहता है उसको पकड़ लेता है एंड कह सकते हो वो बहुत ही तेज़ दौड़ कर जाने लगती है वहाँ से। तो नात्सु को लगता है कि शायद वो मिलने जा रही है उस लड़के से एंड शायद वो लेट हो चुकी है इसलिए वो इतना तेज़ दौड़ रही है। आगे हम लोग को हीना को दिखाया जाता है एंड कह सकते हो कि यार वो किसी स्टोर के नीचे मतलब स्टोर वगैरह रहता है वहाँ पर जाने लगती है एंड नात्सु बोलता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इसको फॉलो करना क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से दौड़ रही है। आगे हम लोग को देखने को मिलता है कुछ लड़के रहते हैं एंड वहाँ पर कोई शो वगैरह वो देखने जाती है, तो वहाँ पर लड़कों को बेसिकली वो थैंक्स बोलती है इतना अच्छा शो के लिए एंड वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। नात्सु ये सारी चीज़ें पीछे से देख रहा था, हीना बोलती है कि ऐसे ही अच्छा काम करते रहो और ऐसे अच्छे अच्छे शो को करते रहो एंड उसके बाद कह सकते हो वो अचानक से हंसने लगती है, तो नात्सु बोलता है कि हाँ शायद कुछ ज़्यादा ही चीज़ें इसने अच्छी देख ली। नेक्स्ट डे हम लोग को देखने को मिलता है कि यार वहाँ पर हम लोग को उसका दोस्त यानी कि फूमिया भी दिखाया जाता है। वो उससे पूछता है कि अभी तक कुछ पता चला, तो नात्सु बता रहा है बस मेरे को इतना पता चला कि जो हीना है वो अकेले टाइम बहुत ही अच्छे से बिता लेती है, उसको किसी की जरूरत नहीं है एंड कुछ दिन से तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं लेकिन पता ही नहीं चल रहा कि यार हम लोग का काम कब सक्सेसफुल होगा क्योंकि अभी तक वो लड़का तो मिलने इससे आया नहीं है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम लोग को देखने को मिलता है जो नात्सु रहता है वो देखता है कि वहाँ पर वो किसी का इंतजार कर रही होती है हीना, तो उन लोग को पूरा इस बार कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ इस बार वो लड़का आने वाला है क्योंकि वो फोन पर भी वेट कर रही थी किसी का बहुत देर से। एंड आगे हम लोग को देखने को मिलता है एक लड़की वहाँ पर आती है एंड कह सकते हो नात्सु कहता है क्या उसका लड़की के साथ रिलेशनशिप चल रहा है, तभी वो लड़का बोलता है पागल हो ऐसा नहीं है, वो उसकी कोई स्टूडेंट होगी जो कि उससे कुछ पूछने वगैरह आई होगी एंड इसलिए वो वहां पर आई थी। वो जो लड़की रहती हीना के पास कुछ फ्यूचर प्लान्स यानी कि उसके फ्यूचर में उसको क्या करना है आगे वो सारे पूछने के लिए हीना के पास आई थी एंड इससे पता चल रहा था कि यार जो हीना है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी टीचर है एंड उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी है। नात्सु थोड़ा सा उदास हो जाता है, सोचने लगता है कि कौन सा ऐसा आदमी जिसके साथ हीना का रिलेशनशिप चल रहा है एंड मेरे को जानना है। उसके बाद जो फूमियो रहता है वो कहता है कोई बात नहीं अब मेरे पास एक आखिरी प्लान है जो कि मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से काम करेगा। हम लोग को नात्सु और रूई को दिखाया जाता है जो कि हीना का फ़ोन चुरा लेते हैं जब वो नहा रही थी एंड बेसिकली जो रूई रहती है उसका फ़ोन पकड़ लेती है। नात्सु बोलता है कि उसको फ़ोन लगाओ एंड जो हीना है उसी की आवाज़ में बात करना है, इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि आखिर में वो लड़का है कौन। एंड इससे पता चला था यार इन लोग का मतलब वेट नहीं हो रहा था उस लड़के को जानने के लिए आखिर ये लड़का है कौन जिसका हीना के साथ रिलेशनशिप चल रहा है। एंड उसके बाद जो रूई रहती है वो भी टेंशन लेने लगती है कि वो आखिर कैसे बात करेगी एंड फाइनली कह सकते हो रूई जो रहती है फाइनली कॉल कर देती है एंड वहाँ से एक आवाज़ आती है लेकिन कह सकते हो रूई डर जाती है एंड उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था तो जल्दी से फ़ोन को काट देती है एंड उसका कह सकते हो वो बोलती है कि मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था जब मैंने उस आवाज़ को सुना तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था एंड मेरे को कम्युनिकेशन करने का समझ नहीं आ रहा था मैं उससे क्या बोलूँ, मतलब ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा मुसीबत है। एंड उसके बाद वो उससे पूछता है नात्सु से कि मतलब मैं अब आगे क्या करूँ एंड तभी कॉल बैक आता है एंड वो लड़का पूछता है क्या तुम ठीक हो एंड रूई जो रहती है वापस से डर जाती है एंड कह सकते हो
जो नासो रहता है उससे पूछता है कि अब क्या हुआ, तो जो रूही रहती है वापस से फ़ोन को काट देती है और बोलती है कि ये मुझसे नहीं हो सकता, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है ये लोग अपने मतलब जो नासो का दोस्त रहता है वहाँ पर जाते हैं उस बार में एंड वहाँ पर बैठ जाते हैं। नासो फूमियो से बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं इतना ज़्यादा इम्पॉसिबल टास्क तुमने दे दिया था, एंड ये चीज़ अब मेरे को इम्पॉसिबल लगती है कि हम लोग कभी पता लगा पाएंगे कि हीना का बॉयफ्रेंड कौन है। उसके बाद जो फूमियो रहता है अपने बॉस से बात करते हैं, सारी चीज़ें बताता है कि नासो इन सारी चीज़ों में फंसा हुआ है। तो वो लोग जो बॉस रहते हैं वो कहते हैं कि मेरे को ये सारी प्यार वाली चीज़ें अच्छी लग रही, क्या तुम मेरे को डिटेल में बता सकते हो? तो नासो बोलता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसके बाद वो पूछता है उनसे कि आपके पास कोई भी अच्छा आइडिया है कि आप हमको बता सकते हैं सारी चीज़ें कैसे करें, एंड कर सकते हैं। लोग सोच ही रहे होते हैं तभी हम लोग को नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हीना भी उसी बार में आ जाती है एंड उसके साथ वो लड़का रहता है तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो जिसका हीना के साथ रिलेशनशिप चल रहा था। उसका वो आदमी पूछता है हीना से कि क्या ये लोग तुम्हारे स्कूल के बच्चे हैं, क्या तुम इनको जानते हो? तो हीना बताती है मेरी छोटी बहन है एंड ये मेरा छोटा भाई भाई है एंड हम लोग की री मैरिज होने वाली है। तो उसके बाद कह सकते हो जो नासुर होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि इस लड़की के साथ ब्रेकअप करो, यानी कि हीना के साथ तुरंत ब्रेकअप करो। एंड ये सारी चीज़ें देखकर कह सकते हो वो डायरेक्ट जाता है उसका कॉलर पकड़ लेता है एंड जो बॉस रहता है वो गुस्सा हो जाता है, कहता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो लेकिन ये सारी चीज़ें तुम नहीं कर सकते। लेकिन ये भी बोलता है नासुर कि तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, तुम्हें ब्रेकअप करना पड़ेगा हीना के साथ क्योंकि तुम ऑलरेडी मैरिड हो, तुम्हारी पहले से शादी हो चुकी है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती ये सारी चीज़ें वापस करते हुए? तभी जो बाहर का ओनर रहता है वहाँ पर आ जाता है एंड कहता है कि ये सारी चीज़ें ऐसे सॉल्व नहीं होने वाली, क्यों ना तुम लोग साथ में बैठ जाओ एंड सारी चीज़ें एक एक करके सॉल्व करो। एंड आगे हम लोग को दिखाया जाता है कि यार मतलब जो नासुर रहता है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है एंड उसको गुस्सा आ रही थी ये सारी चीज़ें उसको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही थी। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है बॉस को जो कि कह सकते हैं इन लोग की पूरी सिटिंग अरेंजमेंट कर देता है एंड उसके बाद वो जो लड़का रहता है यानी कि हीना के साथ वो बोलता है कि अब मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन। तो मेरे एज की बात करूँ तो मैं 32 साल का हूँ एंड मेरी शादी हो चुकी है लेकिन मेरे कोई भी बच्चे नहीं हैं एंड मैं हीना को डेट कर रहा हूँ अब से 2 साल पहले से एंड मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं एक बायोलॉजी रिसर्चर हूँ जो कि यूनिवर्सिटी लैब में काम करता हूँ। एंड उसके बाद जो रूही रहती है वो कहती है कि तुम लोग में से पहले कौन एक दूसरे को पूछा था कि मतलब क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे, ऐसा वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेती है। तो उसके बाद कह सकते हो इससे पता चल जाएगा ना यार बेसिकली कि किसकी दिक्कत है, मतलब कि कौन किसको पसंद करता था सबसे पहले से। तो उसका वो बताता है कि हम लोग मतलब कभी भी ऑफिशियली एक दूसरे के साथ बाहर नहीं गए एंड मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल रही है हम लोग के लिए क्योंकि अब जैसे तुम लोग को पता है कि मतलब मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी। तो उसका हीना बोलती कि ऐसे मत बोले, इसमें तुम्हारी भी कोई भी गलती नहीं है, तुम इन सारी चीज़ों में फंसे हुए थे। उसका जो नासर था उसके सारी चीज़ें देखकर अच्छा नहीं लग रहा था कि यार बेसिकली जो हीना है वो उसकी साइड ले रही थी एंड कह सकते हो वो बहुत ज़्यादा उदास भी रहती है। वो जो आदमी रहता है जिसका नाम शुरू रहता है वो बोलता है कि मुझे थोड़ा बहुत चीज़ें पता था कि मतलब जो हीना की फैमिली उसकी इस तरीके की है एंड उसके बाद बेसिकली जो नासुर रहता है वो डायरेक्टली बोलता है क्या तुम्हें पता है तुम किस पोजीशन पे इस समय हो, तुम्हारी मतलब ऑलरेडी तुम अफेयर कर चुके हो, तुम्हारे घर भी एक वाइफ है लेकिन क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मतलब ये चीज़ कोई इंसान कैसे कर सकता है, इतना ज़्यादा अजीब हरकत, क्या तुम इतने बड़े होकर भी तुम्हारे अंदर कोई भी बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है? एंड कह सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब डायरेक्टली नासो बोल देता है एंड वो जो लड़का रहता है वो भी कम नहीं रहता, वो बोलता है कि मैं हीना को पसंद करता हूँ, ये सारी चीज़ों का मुझ पर कोई भी मतलब नहीं बनता, मतलब मैं उससे प्यार करता हूँ तो करता हूँ भाई, तुम जो भी बोलो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो जो आदमी रहता है वो कहता है कि अच्छा नासो अगर मैं अपने जो करंट वाइफ है उससे डाइवोर्स कर लूँ, उसको छोड़ दूँ एंड उसके बाद अगर मैं हीना से शादी कर लूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत तब तो नहीं होनी चाहिए? तो उसका जो नासो रहता है वो कहता है मतलब ठीक है, मतलब लेकिन फिर भी अब तुम लोग को पता है कि यार वो हीना को पसंद करता है तो वो कैसे बोल सकता है कुछ भी। एंड उसका वो बोलता है कि तुमने हीना को बहुत ज़्यादा रुलाया है, हीना कभी भी खुश नहीं रहती तुमसे बात करने के बाद। तो वो जो आदमी रहता है वो हीना के पास जाता है, वो कहता है क्या तुम्हें सच में मेरे वजह से बहुत ज़्यादा दुख होता है? एंड वो उसका हाथ पकड़ लेता है। नासो को वापस ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती, वो कहता है अब मैं क्या करूँ एंड वो सोचता है कि क्या मैं इसके ऊपर एक ग्लास फेंक दूँ इसके मुँह के ऊपर। तभी नेक्स्ट सीन में कह सकते हैं ये लोग और ज़्यादा क्लोज जाने लगते हैं, जो हीना रहती है वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है। तभी हम लोग को देखने को मिलता है जो रूही रहती है ग्लास का पानी लेती है एंड उसके ऊपर फेंक देती है एंड कह सकते हो नासो खुश हो जाता है। एंड वहाँ पर जो बाहर के कह सकते हो काम वाले रहते हैं वो लोग कहते हैं ये देखो ये क्या हो गया यहाँ पर, मतलब कितनी ज़्यादा अजीब चीज़ है। उसका रूही वहाँ से भाग जाती है एंड नासो उसके पीछे पीछे जाता है एंड बोलता है कि मुझे समझ आ रहा है कि रूही तुम्हें कैसा फील हो रहा है लेकिन ये सारी चीज़ें अब हम लोग क्या ही कर सकते, मतलब कितनी ज़्यादा अजीब चीज़ें हो चुकी, अब मैं क्या ही बोलूँ इसमें, तुम्हारी भी गलती नहीं है इन सारी चीज़ों के लिए, हो सकती थी चीज़ें इससे ज़्यादा बेटर हो लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी हैं, मैं इसको कैसे तुम्हें समझाऊँ? मतलब मैंने सोचा था कि मैं उसके ऊपर मुक्का मारूंगा लेकिन अगर तुम चाहो तो हम लोग साथ में जाकर उसको मुक्का मार सकते हैं। एंड कह सकते हो जो रूही रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल रहती है एंड उसका वो बोलती है कि तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जो उसके साथ करना है कर सकते हो। एंड उसके बाद कह सकते हो जो नासुर होता है वो भी खुशी से देखने लगता है एंड कह सकते हो जो रूही रहती है रोते हुए जाकर उसके मतलब गले लग जाती है, तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड अब तुम लोग ये भी समझ रहे होगे कि भाई रूही का भी कुछ होने वाला है आगे।
तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग को दिखाया जाता है हीना का सीन, एंड वो उस लड़के के साथ रहती है। हीना बोलती है मुझे माफ़ कर देना, मेरी जो सिस्टर है मतलब ये सारी चीज़ें मैं जानती हूँ, बहुत ज़्यादा अजीब हो चुकी। तभी वो आदमी बोलता है ठीक है, वैसे मेरे को ऐसा लगता है कि जो नाच्सो है वो मैं पसंद करता है हीना। उसके बाद हीना बोलती है पागल मत बनो, वो मेरे फैमिली जैसे है, मैं उसको पसंद कैसे कर सकती हूँ, वो मेरा भाई है, ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे। ऐसा हीना बोल कर सकते हो, बता देती कि नाच्सो के साथ उसका कुछ भी नहीं चल रहा। एंड उसके बाद हीना बोलती है कि हम लोग को शायद थोड़ी टाइम के लिए एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब हो चुकी है एंड हम लोग का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तभी अगले सीन में कह सकते हो वो हीना के गले लग जाता है, तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड उसका वो बोलता है कि मतलब तुम दूसरों की खुशी तो देख रहे हो, लेकिन क्या तुम खुद की खुशी देख रहे हो। एंड ये सारी चीज़ें देख कर सकते हो हीना जो रहती है भाई वापस से शर्माने लगती है। एंड आगे हम लोग को दिखाया जाता है जो नाचू रहता है वो रूही के पास जाता है, सुबह हो जाती है। एंड जो रूही रहती है अपने बाल सही कर रही होती है, तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, ये लोग एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, तुम लोग नाचू के बाल देख सकते हो भाई बहुत ज़्यादा अजीब हो चुके हैं। तो उसका वो बोलता है रूही तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा अजीब हो गए, तो रूही बोलती है तुम्हारे बाल तो मुझसे भी ज़्यादा अजीब है। आगे हम लोग को दिखाया जाता है लोग साथ में खाना वगैरह खा रहे होते हैं। एंड अगले सीन में जो नाचो के डैड रहते हैं वो कहते हैं कि आज वो स्पेशल दिन आ चुका है, तो क्या हम लोग सुशी ऑर्डर करें रात में, कह सकते हो कुछ एक स्पेशल दिन होगा यार मतलब जैपनीज ट्रेंड के हिसाब से। तो उसका कह सकते नाचो बोलते नहीं, लेकिन आज तो वो दिन भी है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। एंड उसके बाद कह सकते हो जो हीना रहती है उससे पूछने लगती है तुम्हें प्रेजेंट में क्या चाहिए, तो जो नाचो रहता कहता है कुछ भी नहीं। एंड कह सकते हो अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है नाचो को जो कि कहता है कि मैं यहाँ पर हमेशा आता था। एंड देन हम लोग को पता चलता है जो उसकी मॉम रहती है जो कि 10 साल पहले अब से मर चुकी है, उनका फ्यूनरल भी रहता है आज के दिन, जो कि वो विजिट करने जाता है वहाँ पर। एंड वो अपने मॉम को याद करता है कि मतलब वो सारे पल मतलब जब वो अपने मॉम के साथ बिताया था जब वो बहुत ज़्यादा छोटा था। अगले सीन में हम लोग को रूही और हीना भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ जाते हैं। एंड कह सकते हो जो नासिर होता है वो पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोगों को कैसे पता चला यहाँ पर रास्ता वगैरह। तो उसका कह सकते हो बेसिकली जो हीना रहती है वो कहती है कि हम लोगों को प्रॉपर चीज़ें तो नहीं पता अपनी फैमिली के बारे में अभी तक उतनी खास, लेकिन यहाँ पर आने के लिए मुझे तुम्हारे जो डैड थे उन्होंने बताया। एंड कह सकते हो कुछ खाने के लिए भी लाई थी, तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब भाई मुझे नहीं पता जैपनीज़ में इसको खाने के लिए लाते हैं या फिर किस लिए लाते हैं, लेकिन हाँ उसके बाद कह सकते हो जो हीना रहती है भी बता देती है कि जो उसका बॉयफ्रेंड था उसके साथ वो ब्रेकअप कर चुकी है। एंड वो बोलती है कि मतलब वो आदमी मेरे को आधे साल से बोल रहा था कि वो ब्रेकअप कर लेगा मतलब अब डाइवोर्स कर देगा अपने जो उसकी वाइफ है करंट उसके साथ, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहा था, तो अब टाइम आ चुका था कि मैं उसके साथ ब्रेकअप कर लूँ। एंड वो बोलती कि मेरी फैमिली मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं तुम लोग के साथ रहूँगी एंड उस आदमी को मैं छोड़ चुकी हूँ अब, ऐसा वो बोल देती है। एंड उसके बाद तो कह सकते हो भाई नाचो के चेहरे पे जो खुशी थी वो तुम लोग भी समझ सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद कह सकते हो जो नाचो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है हीना को ऐसे देख कर, एंड सारे लोग कह सकते हो उस फ्यूनरल पे आकर बैठ जाते हैं। सो या गाइस ये था एपिसोड 4, आई होप तुम लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, आई मीन होप करते हैं तुम लोग 300 लाइक तो कर ही दोगे जल्दी से जल्दी इस वीडियो पे। एंड देखो नेक्स्ट एपिसोड भी तुम लोग को मिल जाएगा, एंड तुम लोग कमेंट कर सकते हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए। एंड देखो यार एक चीज़ और, जैसे बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि भाई दिन में 4-4 वीडियो डाल दो, तो देखो यार ये मतलब ये चीज़ बोलना है पॉइंटलेस है, क्योंकि अगर तुम 4 वीडियो डालोगे मैं तो मतलब भाई मैं तो पागल हो ही जाऊंगा इतना वीडियो बनाते बनाते। एंड फर्स्ट थिंग यार क्वालिटी तुम लोग को नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि मैं यार मतलब कुछ भी बोल दूँ वीडियो में तो मैं 4 वीडियो भी डाल सकता हूँ, इवन मेरा ही फायदा होगा उसमें, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें नहीं करना चाहता। तुम लोग को थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा तुम लोग को अच्छे से चीज़ें समझ में आए, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले लेता हूँ। एंड काम भी रहते हैं यार बहुत ज़्यादा, तो उसमें बिजी रहता हूँ, तो आई होप तुम लोग समझोगे। तो हाँ यार बने रहो मेरे साथ, मैं ट्राई करता हूँ हमेशा तुम लोग को बेस्ट देने का ही, मतलब कोई भी मतलब ऐसा मैं ऐसा वीडियोस नहीं बनाता जिससे मेरा दिल ना लगे, हमेशा मैं अपना सोचता हूँ कि हाँ पिछले वीडियो से मतलब ज़्यादा एफर्ट करूँ। तो होपफुली तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ अगर मेरे को मज़ा आया, एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। तो बाय बाय।